वेलकम टू सैफीज़ फैमिली। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन बिरयानी की बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी। ये जो बिरयानी है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल जो आप मार्केट से बिरयानी लेकर आते हैं वो वाला टेस्ट आता है, और एकदम मसाले वाली बिरयानी बनती है ये। तो एक बार आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि आप चिकन बिरयानी कैसे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैंने लिया है 1 किलो चिकन, 750 ग्राम गोल्डन राइस जिन्हें मैंने आधे घंटे के लिए सोक करके रख दिया था, 1 टमाटर, 10 से 12 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 7 से 8 हरी मिर्च, 1 चम्मच सौंफ, 1 काली मिर्च, चक्रफूल, 7 से 8 लौंग, जावित्री, जायफल, दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, 1 बड़े साइज की प्याज को बारीक कट कर लिया है, 2 चम्मच मैंने यहाँ आम का अचार लिया है, आप इसकी जगह हरी मिर्च का अचार भी ले सकते हैं, 3 तेज पत्ते, 1/2 चम्मच जीरा, 3 हरी इलायची, 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ केवड़ा वाटर लिया है, 100 ग्राम के करीब मैंने यहाँ दही लिया है, ऑरेंज फूड कलर चुटकी भर, और 1/2 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने सॉल्ट लिया है। सॉल्ट हम बाद में, अगर हमें कम लगता है तो हम बाद में डाल लेंगे इसमें। तो सबसे पहले मैंने कुकर लिया है और उसमें 100 ml के करीब ऑयल डाल दिया है, उसको अच्छे से गर्म कर लेंगे और उसको अच्छे से गोल्डन फ्राई होने तक इनको फ्राई कर लेंगे। प्याज को अच्छे से हमें फ्राई करना है, प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इस तरह अच्छे से चलाते हुए प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज जब तक फ्राई हो रही है तब तक हम अपना पेस्ट तैयार कर लेते हैं। जो भी सामान लिया था हमने, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, सौंफ, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग वगैरह जो भी ली थी हमने, इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर इनका एक पेस्ट बना लेंगे। इस तरह का हमें पेस्ट बना लेना है। प्याज भी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है, गोल्डन ब्राउन हो गई है, और अब जो बाकी का तेल है उसमें जीरा, तेज़पत्ता और जो हरी इलायची थी वो डाल देंगे, और अब ये जो पेस्ट हमने बनाया है उसको डालकर अच्छे से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से भूनना है ताकि इसकी रॉ स्मेल चली जाए। अब इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे और इसको भी इसके साथ 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। इस तरह चलाते हुए हमें सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेना है। टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे। ये बिरयानी बहुत जल्दी बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। अब इसमें जो चिकन लिया था हमने वो ऐड कर देंगे और चिकन को इसके साथ 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे ताकि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए। इस तरह चलाते हुए अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है और चिकन का कलर चेंज होने तक इसी तरह हमें इसको पका लेना है। अब इसमें जो अनियन ली थी हमने, आधी अनियन हम यहाँ ऐड कर देंगे और आधी बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। अब जो अचार लिया था और दही और लाल मिर्च पाउडर और नमक जो लिया था वो भी सब चीज़ें मैं यहाँ ऐड कर दूंगी और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बिरयानी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है बिरयानी। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं यहाँ 4 ग्लास के करीब पानी ऐड कर दूंगी। मेजरमेंट के हिसाब से देखें तो 3 ग्लास मैंने चावल लिए थे और अगर आधे घंटे के लिए सोक करके रखा है हमने उसको, तो इसमें 4 ग्लास के करीब पानी जाएगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट होता है, अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तो बिरयानी ख़राब हो जाती है, तो इसलिए पानी का हमें ध्यान रखना है। अगर 3 ग्लास हमारे चावल हैं और उसको आधे घंटे के लिए सोक कर रखा है तो उसमें 4 ग्लास पानी जाएगा। और इसी पॉइंट पर हमें नमक चेक कर लेना है, अगर नमक कम है तो हम नमक यहाँ ऐड कर देंगे। एक विसल आने तक इसको कुक कर लेंगे और इसका प्रेशर हमें आउट नहीं करना है। बिरयानी में एक विसल आ गई थी और इसको मैंने खोल लिया है। ऊपर मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी और जो केवड़ा वाटर हमने लिया था उसमें मैंने फूड कलर मिला दिया था उसको भी यहाँ मैं ऐड कर दूंगी। इस तरह बिरयानी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और जो प्याज हमने बचाई थी वो भी मैं यहाँ डाल दूंगी अच्छे से। इस तरह गार्निश कर देंगे हम प्याज से। बिरयानी हमारी बनकर तैयार है। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।